हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नेहा टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर ट्वेल्थ ऑफ क्लास एट्थ दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ओके स्टूडेंट्स हम एट्थ क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे एक्सपोरेंट्स एंड पावर आई एम टू रिप्रेजेंट द इंट्रोडक्शन टुडे आज हम इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करेंगे इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्यों बिकॉज अगर हम चैप्टर का जो मेन मतलब नेम है उसको अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में करें और पूरा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेसिक वो हमारा क्लियर होगा तो so, जो क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के वो खुद बाय खुद सॉल्व हो जाते हैं ठीक है इसलिए हम सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे क्लियर टू एवरी अब सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमने प्रीवियस क्लास सेवेंथ में पढ़ा है इसके बारे में बट हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं लेट अस टेक हमारे पास है कुछ टेन रेज टू दावर फोर ठीक है हमने लिया टेन रेज टू दावर फोर है हमारे पास यहाँ पे टेन किसको रिप्रेजेंट करता है और फोर किसको रिप्रेजेंट करता है टेन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बेस को एंड जो फोर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को बेस ये हमारे पास जो टेन पड़ा है ये बेस को रिप्रेजेंट करता है और जो फोर है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है क्लियर टू एवरी वन ठीक है हमारे पास टेन रेज टू दावर फोर है ये एक्सपोन रिप्रेजेंट करेगा बेस को, को अब हम इसको रीड कैसे करते हैं टेन रेज टू दावर फोर टेन रेज टू पावर फोर क्लियर है टेन रेज टू पावर फोर हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं टेन रेज टू पावर फोर अब हमने जो क्या होता है हमने जो पढ़ा है उसमें पता है क्या होता है कैसे कहते हैं कि इसकी पावर फोर है नो no, स्टूडेंट्स ये पावर फोर नहीं होती ये एक्सपोनेंट होता है क्या होता है एक्सपोनेंट हमने गलत रीड इट आउट किया हुआ है ये फोर क्या होता है हमारे पास एक्सपोन और टेन क्या होता है Base, और जो ये 10 to the power, पूरा मिला के क्या बन जाता है 10 to the, मतलब 4, 10 to the power, पूरा इसको 4 बोलते हैं इसको पूरा मिला के क्या बनती है हमारे पास पावर इस पूरे को कहते हैं पावर क्लियर टू एवरी ठीक है ये टेन क्या होगा बेस फोर क्या होगा एक्सपोनेंट एंड हम इसको रीड इट आउट कैसे करेंगे और और ये ये जो जो होता है है हमारे पास जो पूरा क्या कहलाता है? Power. Clear to everyone? किसी को डाउट है अब हमारे पास पावर डिफरेंट होती हैं हमारे पास पावर पॉजिटिव भी होती हैं विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी होती हैं ठीक है और पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी होते हैं अब हमारे पास ये केस था हम मतलब एक्सपोनेंट और बेस के बीच में और पावर ये सब क्या होता है ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया ठीक है स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट ठीक है अगर हमारे पास पावर आ जाए पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारे पास आए पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट तो क्या होता है इसका मतलब क्लियर ही हो रहा है जो पावर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पड़ा है पावर टेन की पावर हमारे पास माइनस टू पड़ा है ठीक है टेन की पावर क्या पड़ा है माइनस टू ठीक है तो टेन की पावर अगर हमारे पास माइनस टू पड़ा है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए इसका क्या हो जाता है रेसी प्रोकल ठीक है इसका क्या हो जाता है रेसी प्रोकल टेन की यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव है बट इसको हमें क्या बनाना है पॉजिटिव क्या बनाना है हमें इसको पॉजिटिव तो हम इसको क्या करते हैं जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाए तो हम उसका क्या कर देते हैं रिसी प्रोकल. क्या कर देते हैं रिसी प्रोकल. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाय टेन रेज टू पावर टू ठीक है ये इसका क्या हो जाता है रेसी प्रोकल इनवर्स हो जाता है कैसे अब हम ये देख के चलते हैं बिकॉज हमने कोई भी केस ले लिया ए रेस टू दी पावर माइनस वन एम पड़ा है कोई भी ये एम क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट वो भी क्या है नेगेटिव और ए क्या है यहाँ पे बेस अगर हमारे पास बेस का नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं रिसीव कर देते हैं उसका इनवर्स कर देते हैं वन बाय ए वो नीचे आके क्या बन जाती है पावर पॉजिटिव क्लियर टू एवरी ठीक है ये हमारा केस था स्टूडेंट्स ये नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट था हमें ये पता लग गया था ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंट ये होता है बेस ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट बट नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे सोल्व आउट करते हैं वो नीचे आके रेसिप्रोकल होके उसकी पावर जो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव क्लियर टू एवरी वन अब हम अब इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं ठीक है देखिए अस टेक एन एग्जाम्पल मेरे पास अभी पड़ा है ये देखिए टू रेज टू दावर टू रेज टू दी पाव मतलब पावर एक्स टू इसको हम ऐसे रीड आउट करते हैं ना मैंने अभी बताया था रीड आउट कैसे पढ़ते हैं टू रेज टू दी पावर क्या पड़ा है टू स्टूडेंट्स क्लास सेवन पे भी मैंने देखा ये क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट ना इसको इससे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई नो स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना होता इसका क्या मतलब होता है टू की पावर अगर टू है तो इसका क्या मतलब होता है जो टू है बेस वो हमारा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू की पावर क्या पड़ी है थ्री ठीक है तो यहाँ पे टू इंटू थ्री लिख देते हैं स्टूडेंट्स जल्दबाजी में फटाफट से टू इंटू थ्री नो ऐसे नहीं होता है जितनी उसकी पावर मतलब उसका एक्सपोनेंट होता है वो उतने टाइम्स ही आपस में क्या हो जाते हैं मल्टी प्लाई ठीक है यहाँ पे थ्री एक्सपोनेंट है तो टू मल्टीप्लाई होगा टू रेस टू दी पावर थ्री है तो हमने कहा था अगर टू है तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ टू अगर हमारे पास थ्री है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा थ्री ठीक है तो हमारे पास ऐसे सोल्व आउट होते जाते हैं अगर मेरे पास टू रेज टू दी पावर एन है मतलब कोई भी नंबर जैसे कुछ भी हो सकता है ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे two multiply, two multiply, two multiply, up to N, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स अब किसी को मुझे नहीं लगता इसमें डाउट होना चाहिए समझ में आया इसमें यहाँ क्या, क्या मिस्टेक करते हैं हम टू रेस टू पावर टू ऐसा नहीं करना है इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे यही हमारा बिग था मतलब एक रह जाती है इसको क्या करना होता है टू टाइम्स मल्टीप्लाई जितनी उसकी रेस टू द पावर हो तो ये क्या करना होता है उसको उतने टाइम्स क्या करना होता है मल्टीप्लाई ठीक है ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ था अभी नेगेटिव वाला भी आपको क्लियर किया ही है वो क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगा कि हमारे को आंसर निकालना होगा विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट बट अगर हमारे पास अभी क्लियर किया है नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं क्लियर टू एवरी ठीक है अब हम चलते हैं अब हम करते हैं अब हम डिस्कस कर, करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं ठीक है अब हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ लिया हमने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा ठीक है और एक्सपोनेंट की नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा और नेगेटिव एक्सपोनेंट के भी बारे में पढ़ा अब हमारे क्या आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको ये क्लियर हो गए तो आपका चैप्टर मतलब आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं कोई भी क्वेश्चन है वो ईजिली सॉर्ट आउट हो जाएगा आपसे ठीक है इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझने हैं मैं हर एक लो का मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ भी और नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ भी एक्जाम्पल दूंगी ताकि आपका क्लियर होता जाए क्लियर टू एवरी वन अब हमारा यहां पे फर्स्ट लो है हमारे पास फर्स्ट लो क्या है अब हमारे पास ए और बी कोई भी हम लेकर चल सकते हैं हम डिस्कस करते हैं अब जब जब भी हम कुछ जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कुछ भी नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं करते हैं क्यों क्योंकि हम वो तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं वो तो फिर एक नंबर के लिए रह जाएगा सेटिस्फाई तो हमें यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर ये रेशनल नंबर है मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं ए मान लो ठीक है अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए रेस टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस टू दावर एन ठीक है ये किसके इक्वल हो जाता है जब हमारे पास a रेस टू दावर एम मल्टीप्लाई दावर n पड़ा है तो वो कैसे सोल्व आता है a टू पावर एम प्लस एन बेस सेम पावर्स एड हो जाती हैं अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाती हैं एड बिल्कुल ध्यान में रखना है बस आपने क्या ध्यान में रखना है मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या ध्यान में रखना है बेस सेम पावर्स ऐड बेस सेम पावर्स ऐड ए रे टू दी पावर एम मल्टीप्लाई में ए रे टू दी पावर एन तो हमारे पास बेस सेम है बेस एज इट इज रहता है पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड ठीक है लेट अस टेक एन एग्जांपल फोर एग्जांपल एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर होगा फॉर एग्जांपल हमारे पास पढ़ा है 2 रे टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई में टू रेस टू दी पावर फोर ठीक है टू रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई में टू रेज टू दी पावर फोर ठीक है अब हमारे पास ये क्या है हमारे पास क्या है बेस क्या है टू यहाँ पे और एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट क्या 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 है 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 पे बेस और इसका एक्सपोनेंट क्या है? फोर ठीक है अब हमारे पास बेस अगर सेम हो अभी अभी बोला फर्स्ट लो क्या था बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड तो हमें क्या करना है पावर्स को फिर ऐड लिख दो हमारे पास बेस क्या है बेस क्या है हमारे पास 2 रे टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेस क्या हो जाए पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड तो कर दो पावर दैट 2 4 ठीक है वो किसके इक्वल है 2 रे टू पावर 2 4 कितना आ जाएगा 6 2 रे टू द पावर 6 अब हमारे पास क्या आया 2 रे टू द पावर 6 अब स्टूडेंट्स इसको जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना कि टू को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो अभी बताया था ना कि जितनी भी पावर हो तो वो उतने टाइम्स क्या हो जाता है मल्टीप्लाई अब यहाँ पे कितनी पावर है तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सिक्स टाइम्स क्लियर है वन टू थ्री फोर फाइव मल्टीप्लाई टू 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 जाोर फोर टू जा टू टू जब फोर ये सारा काउंटिंग करके आपने यहाँ पे क्या कर देना है एल सी एम मल्टीप्लाई करके आप अपना एल सी एम निकाल देना सॉरी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा किसी को कोई डाउट है मेरे अकॉर्डिंग कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए अगर हमारे पास ये देखो इसको सोल्व आउट कर देना बिल्कुल लास्ट तक आंसर निकालना हो बट हमारे पास कई क्वेश्चन में ना मैंशन होता है कि हमें एक्सपोनेंट मतलब पावर में आंसर चाहिए पावर के साथ हमें आंसर चाहिए तो मतलब पावर की फॉर्म तो यही होती है अभी बताया था ये होता है बेस ये होता है एक्सपोनेंट तो हमारी पावर की यही क्या बन जाती है इसे पूरे को क्या कहते हैं पावर क्लियर है तो हमारा पावर में आंसर आ चुका है अब हमने देखो स्टूडेंट्स हमने ये दोनों बेस सेम था और एक्सपोनेंट क्या थे पॉजिटिव ठीक है जब हमारा पॉजिटिव वाला अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जहां पे हमारे एक्सपोनेंट्स क्या होंगे नेगेटिव ठीक है आप जितने भी जल्दी जल्दी से मतलब ये आ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है हमने क्या पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला थी, लिया था ना अब हम लेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पड़ा है फोर की पावर माइनस टू ठीक है मल्टीप्लाई में मेरे पास पड़ा है फिर से फोर की पावर माइनस थ्री ठीक है हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका हमारे पास क्या है बेस क्या है फोर ठीक है और इसका एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव हो गया ये भी बेस हो रहा है तो इसका वो एक्सपोनेंट मैंने नेगेटिव लिया ठीक है अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हमें क्या करना होता है बेस सेम बेस क्या है सेम तो हमने याद रखनी है एक बात बेस सेम जहाँ पे भी दिखे हमने लो लगा देना है फर्स्ट लो ये क्या है बेस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं एड तो फोर्थ था हमारा बेस पावर्स क्या हो जाएंगी एड जो भी पावर पड़ी है हमें कुछ नहीं पता माइनस टू पड़ी है तो हमने तो क्या करना है प्लस ठीक है यहाँ पे ऑलरेडी क्या पड़ा है एक्सपोनेंट माइनस थ्री ठीक है अब हमें क्या पता है यहाँ पे माइनस टू एज इट इज अब प्लस माइनस माइनस क्लियर टू एवरीवन अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया फोर की पावर माइनस टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस और साइन किसका आता है नेगेटिव फोर की पावर क्या आ गया माइनस फाइव बट हमारे पास क्या होता है हमने कहा था अगर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए हो तो अभी अभी हमने लगाई थी ना एक थ्योरी क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ पड़ा हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल और पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हमने ये पढ़ा था ना ए की पावर माइनस एम A की पावर पढ़ा था ना अभी अभी ए की पावर माइनस एम हो तो वो किसके इक्वल आ जाता है इसका हो के उसके इक्वल आ जाता है ठीक है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वन बाय फोर की पावर फाइव ये हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर आ चुका है क्लियर टू एवरी वन अब यहाँ पे फोर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है फाइव टाइम्स और वो हमारा क्या होगा आंसर क्लियर टू एवरी वन किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब हमारा फर्स्ट लो हमने दो एक्सपोनेंट्स के साथ मतलब पॉजिटिव भी और नेगेटिव के साथ डिस्कस कर लिया है अब आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे आप बहुत ईजिली सोल्व आउट बाय सेल्फ यू कैन सोल्व द क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं इसीलिए हम आज का मेन हमारा जो वीडियो है हम आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली इंट्रोडक्शन पे लेकर आए हैं ओके अब हमारा सेकेंड लो सेकेंड लो हमारा क्या है सेकेंड लॉ हमारा क्या था पहले हमारे बेस सेम थे और मल्टीप्लाई में पढ़े थे अब हमारे क्या है बेस सेम और वो किस में पड़े हैं डिवीज़न, डिवाइड में ए की पावर एन ठीक है ए दी पावर एन डिवाइडेड बाय ए रेस्ट टू पावर एन जब हमारे डिवीज़न में पड़े हो, क्वेश्चन में पड़े हो, तब हमारे पास क्या हो जाता है जो लो है सेकेंड तो वो क्या किसके इक्वल आ जाता है बेस सेम पावर्स क्या होती हैं माइनस बेस सेम पावर्स में क्या हो जाता है माइनस बेस सेम पावर एड यहाँ पे बेस सेम पावर सब Clear to everyone. Same, तो 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 बस हो 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 जाती है. Division में हो, तो power subtract. Clear है, M में है से क्या हो जाएगी Minus N. Clear to everyone. किसी को कोई डाउट है मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ठीक है अब हमारे पास इसको फॉर एग्जाम्पल से हम सोल्व आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट एस टेक एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लेकर चलेंगे मेरे पास क्या पड़ा है थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री की पावर सॉरी डिवाइड डिवाइड में पड़ा है मेरे पास थ्री की पावर मेरे पास पड़ा है थ्री ले लो ठीक है ठीक है ये पड़ा है मेरे पास थ्री की पावर टू डिवाइड में थ्री की पावर थ्री क्लियर टू एवरी वन अब मेरे को क्या करना है आउट करना है बेस सेम डिवाइड में पड़े तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री की पावर टू माइनस थ्री ठीक है अब मेरे पास थ्री की पावर टू माइनस थ्री प्लस माइनस क्या होता है माइनस बट साइन किसका आता है बड़े वाले का बड़ा कौन है थ्री थ्री में से टू गए कितना आ जाएगा वन बट किसका साइन आएगा माइनस का बट हमें पता है पावर ये किस में आ गया विद नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या इस किस में आया है विद नेगेटिव एक्सपोनेंट तो हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे अब अभी, जस्ट अभी, बताया बताओ स्टूडेंट्स अपने आप मतलब आप देखो क्या आएगा ए रेज टू दावर माइनस तो ये क्या आ जाएगा वन बाय थ्री थ्री की पावर वन क्या होती है थ्री ही होती है क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्लियर है अब नेक्स्ट में हमारे पास ठीक है ये जब हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट पड़े थे जब हमने डिवीजन वाला रूल लगाया अब मैं लेकर चलती हूँ क्या है नेगेटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव आके जाए मेरे पास तो देखो मान लो मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्टेड सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं मेरे पास ना बेस भी पड़ा है माइनस फोर ठीक है इसकी पावर मैं लेकर चलती हूँ माइनस टू डिवाइड में मेरे पास बेस फिर से पड़ा है माइनस फोर इसकी पावर में लेकर चलती हूँ ठीक है अब सॉरी ले लेते हैं ठीक है अब मेरे पास ये पड़ा है ठीक है अब मेरे पास क्या है बेस सेम बेस क्या है यहाँ भी माइनस फोर है तो यहाँ भी माइनस फोर है बेस सेम होता है और डिविजन में तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस माइनस टू ठीक है यहाँ पे फिर से माइनस लगा दो जो हमारा रूल है माइनस एन होता है ना तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पड़ा है तो ये कैसे सॉल्व इट आउट होगा अब ये कैसे आ जाएगा यहाँ पे माइनस फोर एज इट इज ठीक है अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस क्या होता है प्लस तो माइनस टू प्लस थ्री इज ठीक है थ्री प्लस टू बट क्या है यहाँ पे माइनस का टू है थ्री में से टू गए वन पॉजिटिव बड़ा कौन है थ्री उसके आगे साइन कौन सा है पॉजिटिव तो क्या आएगा फोर की पावर वन माइनस फोर की पावर वन एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है तो ये क्या आ गया हमारा आंसर किसी को कोई डाउट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब हम डिस्कस करेंगे हमारा स्टूडेंट्स हम आपके जितने भी लॉज हैं उसके थ्रू थ्रू एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ और एक नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ अब आप इससे क्या मतलब है जैसे ही आप क्वेश्चंस खोलोगे तो आपके मतलब एक्सरसाइज खोलोगे जो भी आपके क्वेश्चन हो मतलब बाय योर सेल्फ यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज ये मेरी मतलब आई एम टेकिंग दैट एश्योरिटी टू यू ओके स्टूडेंट्स तो नाउ थर्ड लो थर्ड लो क्या कहता है हमारा अगर बेस क्या हो डिफरेंस, अगर हमारे पास बेस क्या हो डिफरेंट ए रेस टू दावर एम मल्टीप्लाई में बी रेस टू दावर एम बेस डिफरेंट हो बट पावर क्या हो सेम बेस डिफरेंट हो बट पावर क्या हो सेम तो स्टूडेंट्स हम कैसे आउट करेंगे देखिए जरा लो कैसे अप्लाई होता है ए मल्टीप्लीकेशन में बेस क्या आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में बेस में आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में. में, में. में, में और क्या रह जाता है हमारे पास पावर एम सिंगल पावर क्लियर है बेस में आ जाता है मल्टीप्लाई में और आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेस एक दूसरे के साथ और पावर के आ जाती है एम क्लियर टू एवरी वन अब हम लेकर चलते हैं लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल इससे आपके सारे लॉज क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स इसलिए ध्यान से इसको समझिए वैसे बहुत इजी टॉपिक है ये मतलब जिसको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो उसके लिए क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजीली हो जाएगा अब हमने क्या कहा बेस डिफरेंट है बेस हमारे पास पड़ा है फोर की पावर अब हम एक बार पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं फोर की पावर थ्री मल्टीप्लाई में सिक्स की पावर थ्री फोर सिक्स की पावर भी थ्री ठीक है हमारे पास क्या आ जाएगा फोर की पावर थ्री हमने लिया बेस फोर है यहाँ पे ए बी क्या है सिक्स इसकी पावर थ्री है और इसकी पावर भी थ्री है अगर बेस डिफरेंट है बट पावर अब ये देखिए स्टूडेंट्स बेस क्या है डिफरेंट ठीक है और पावर्स क्या है हमारे पास सेम बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम तो हमारा थर्ड लॉ इजिली अप्लाई हो जाएगा उसका क्या आंसर आना चाहिए देखिए आप बताइए बताइए फोर मल्टीप्लाई सिक्स की होल पावर क्या आ जाएगी थ्री ठीक है ना अब सिक्स जा क्या होता है स्टूडेंट सिक्स फोरजा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर की पावर क्या आ गया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर रेज टू दावर थ्री क्लियर स्टूडेंट्स अब ये था हमारे पास थर्ड लो जिसके हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या किए थे एक्सपोन अब इसी में ही मैं अपना क्या करूं मुझे क्या करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट लेकर चलना है अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट लेकर चलना है तो मैं एग्जांपल ले रही हूं यहां पे मैं एग्जांपल लेती हूं टू की पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई में थ्री की पावर माइनस थ्री ठीक है टू की पावर भी माइनस थ्री नेगेटिव एक्सपोनेंट और थ्री की पावर भी माइनस थ्री बेस क्या है डिफरेंट तो पावर्स क्या हो जाएंगी एंड बेस अगर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाए? Sorry, हो सॉरी बेस अगर डिफरेंट और मल्टीप्लाई में हो तो पावर हो पावर होल लग जाती है और ये बेसिस आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई अगर बेसिस डिफरेंट हैं तो बेसिस क्या है यहाँ पे डिफरेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आपस में क्या हो जाएगा थ्री के साथ मल्टीप्लाई और होल पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस थ्री अब टू इंटू थ्री सिक्स की पावर माइनस थ्री अब यहाँ पे हमारा क्या है एक्सपोनेंट नेगेटिव तो हमने कैसे सॉल्व आउट किया हुआ है ए रेस टू दी पावर माइनस एम किसके इक्वल होता है उसके रेसिप्रोकल के तो यहाँ पे वन रेस टू दी पावर सिक्स आंसर आ जाएगा सिक्स की पावर थ्री ठीक है सिक्स इंटू सिक्स कितना होता है थर्टी सिक्स इंटू क्या होता है आता है ट्रिपल क्यूब याद है बोलो थर्टी सिक्स टू वन सिक्स थ्री जा एटीन यहाँ पे क्या आ जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी टू वन सिक्स ट्वेंटी वन ठीक है ये इसका क्या होता है आंसर किसी को डाउट बट हमारे पास स्पेशली मेंशन होता है कि हमें एक्सपोनेंट में आंसर रखना है सॉरी पावर्स में आंसर लाना है तो हमें पावर्स में ही छोड़ देना है आगे सॉल्व आउट नहीं करना यही हमारा आंसर होता है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट लो कौन सा है हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट लो हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट लो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है फोर्थ अगर बेसिस क्या हो डिफरेंट बेसिस क्या हो डिफरेंट बट वो आपस में क्या हो डिविजन में और उनकी पावर क्या हो सेम तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं सेम वही रूल्स चल रहे हैं देखो पहले मल्टीप्लाई वाला आया था बेस क्या था सेम पावर डिफरेंट थी तो पावर जैड हो गई ठीक है ऐसे ही रूल्स एक बार कर लें हम सारे कुछ एग्जाम्पल फिर एक साथ करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ए की पावर एम बी की पावर सॉरी एम मतलब बेस डिफरेंट है और पावर डिवीजन में पड़ी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे ए डिवाइड बाय में बी उसकी होल पावर एम अब इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे ए बाय में बी ठीक है ए बाय में बी तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी एम इसका मतलब एम इसकी भी पावर है और बी की भी पावर है ए की भी पावर एम है और बी की भी पावर क्या है एम किसी को कोई डाउट है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है होल पावर क्या हो जाती है एम अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं इसका एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं इस लो को अब टेक एन एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे हमने लिया बेस लिया हमारे पास माइनस का फाइव उसका हमने लिया यहाँ पे टू डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिया टेन का हमारे पास हमने लिया हमने लिया इसकी पावर हमने टू ही लेना क्योंकि बेस क्या होना चाहिए सेम ठीक है अब हमारे पास इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं माइनस फाइव डिवाइड में क्या आएगा टेन होल पावर क्या हो जाएगा

10 रे टू दी पावर 2 अब यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे ठीक है 5 1 5 5 2 10 तो हमारे पास क्या आएगा माइनस -1 by 2 की पावर 2 क्लियर हुआ किसी को कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा बिल्कुल अच्छे से हमने क्लियर किया है ठीक है अब ये हमारा फोर्थ ला था अब हमारे पास लास्ट लो को हम डिस्कस करेंगे बट उससे पहले हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट का भूल गए हैं इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट का भी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हमने सबके किए फिर आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आने वाला है बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करते टाइम आपके खुद ब खुद आपके सोल्व हो जाएंगे ए रेज टू दी पावर एम अब मैं लेती हूँ कोई भी एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे लिया मैंने टू रेज टू द पावर माइनस फाइव ठीक है और डिवाइड बाय में पड़ा है मेरे पास 4 एट रेज टू दी पावर एट रेज टू दी पावर माइनस फाइव ठीक है अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे टू डिवाइड बाय एट की होल पावर क्या हो जाएगी माइनस फाइव अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाय में डिवीजन एट इसकी होल पावर माइनस अब ये ध्यान से स्टेप समझना है स्टूडेंट्स ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज आ गई है ये देखिए अब कैंसल आउट हो रहा है तो यहां पे क्या आ गया वन फोर, वन फोर की होल पावर होल पावर का क्या मतलब है यहाँ पे वन की पावर माइनस फाइव फोर की पावर क्या आ जाएगी माइनस फाइव ठीक है अब हमारे पास तो एक्सपोन एक्सपोनेंट क्या है नेगेटिव क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हमारे पास एक्सपोनेंट क्या करते थे तो ए की पावर वो किसके इक्वल आ जाती थी वन बाय ए की पावर एम अब ये तो ऑलरेडी उसमें पड़ा है रेशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़ा है तो हम इसको कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट्स अगर वन बाय फोर को नीचे लेके जाएंगे वन के वन बाय अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अब हम हमारे पास पूरी टर्म क्या है वन बाय फोर तो हम इसको लेकर जाएंगे वन बाय फोर तो ये रेसी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर जाके फोर आ जाएगा ना तो इसको क्या ये कैसा बन जाएगा फोर बाय में वन कैसा बन जाएगा फोर बाय में वन इनका आपस में क्या हो जाता है रेसी प्रोकल अब देखिए एक और वे है हमारे पास जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया वन की पावर माइनस फाइव बाई में फोर की पावर माइनस फाइव डिफरेंट डिफरेंट पावर हो गई ठीक है जब भी हमारे पास वन की पावर नेगेटिव है तो वो नीचे पॉजिटिव कैसे बन जाती थी नीचे आके बनती थी ना कि नीचे आके वन की पावर क्या हो जाती थी पॉजिटिव अब ये ये ऑलरेडी हमारे पास नीचे पड़ा है वन की फॉर्म में तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर तो फोर की पावर क्या बन जाएगी फाइव फिर से देखो वही आया फोर की पावर फाइव है वन की पावर फाइव है तो ये क्या बन जाएगा फोर बाय वन की पावर फाइव ये दूसरा तरीका था क्लियर है मतलब ये हमारा आंसर आ गया फोर की पावर फाइव नीचे हो हो ना हो, एक ही बात है students, everyone, है क्लियर टू ठीक अब ये वाला एक फॉर्म था मतलब हमने ऐसे पावर को ब्रेक करके भी हम सोल्व कर सकते थे जो एक्सपोनेंट्स थे अब मेरे पास मान लो पड़ा है ए की पावर बी ठीक है माइनस ऑफ एन ठीक है तो ये कैसे सोल्व आउट होता है वो ये क्वेश्चन आया है आपके पास तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कैसे सोल्व आउट होता है ये बन जाता है बी बाई ए की होल पावर एन पॉजिटिव बन जाता है ये एक स्पेशल नोट कर लो स्पेशल नोट है ये स्पेशल नोट में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ए की पावर बी अगर माइनस एन तो वो क्या हो जाता है बी बाई ए पावर एन क्लियर है उसका रिसीप्रकल हो जाता है किसी को कोई डाउट है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे से मैंने एक एक स्टेप क्लियर कर दिया है नेक्स्ट लास्ट लो क्या होता है हमारे पास ए रेस टू दावर एम होल पावर एन जब ये वाला केस आ जाए हमारे इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं ए रेज टू दावर एम एन पावर्स जब ऐसे पड़ी हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई क्लियर है ए इंटू अगर पावर ऐसे पड़ी हो एक की पावर एम उसकी होल पावर एन पड़ी हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आज जहाँ पे आपको डायरेक्ट लो लगाना होगा ठीक है ना इसलिए लोज को, को हमें इतने अच्छे से मतलब ब्रीफ में इसको डिफाइन कर रहे हैं ठीक है पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पावर कोई साइन है तो मतलब ये आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ और ट्विस्टेड सा लेकर चलते हैं एग्जाम्पल मेरे पास पड़ा है माइनस नाइन की पावर टू होल पावर माइनस थ्री होल पावर पड़ी है थोड़ा ट्विस्टेड सा अब इतने सारे क्वेश्चन करें तो इसका एक एग्जाम्पल तो ट्विस्टेड सा लेना बनता है ना ये पड़ा है ठीक है माइनस नाइन माइनस नाइन की पावर टू ठीक है उसकी पावर हमारे पास क्या पड़ी है माइनस नाइन की पावर पड़ी है टू होल पावर क्या पड़ी है माइनस थ्री ठीक है नेगेटिव ऑफ थ्री नेगेटिव एक्सपोनेंट ठीक है अब माइनस टू माइनस नाइन एज इट इज रहने दो तो, पावर्स जैसे पड़ी है होल पावर तो वापस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई क्या हो जाती है मल्टीप्लाई तो टू एज इट इज मल्टीप्लाई ऑफ माइनस थ्री तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ठीक है टू थ्री जा बट मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो नाइन रेज टू द पावर माइनस माइनस नाइन पावर माइनस सिक्स बट अभी अभी बताया था नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो वो नीचे आके रेसी प्रोकल क्या हो जाता है उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव वन बाई नाइन की पावर क्या हो जाएगी सिक्स माइनस हमारे पास माइनस आगे यहाँ पे रह जाएगा या फिर नीचे ले आओ कोई एक ही बात है क्लियर टू एवरी मेरे अकॉर्डिंग इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये बहुत अच्छे से हमने सोल्व किया है ठीक है स्टूडेंट्स ये थे हमारे लोस अब मैं आपको एक स्पेशल की स्पेशल में डाल लो आप ये स्पेशल नोट में ही डाल लो स्पेशल नोट में ही डाल लो ये वाला क्या अगर ए रेस टू दावर जीरो हो ए रेस टू दावर जीरो हो तो, तो किसके इक्वल होता है वन स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं किसी की पावर अगर जीरो पड़ी हो तो उसको फटाक से फटाक से जीरो लिख देते हैं नो जीरो पावर जीरो वन होगा अब मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ जैसे कि मेरे पास ये स्पेशल नोट है इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ फॉर एग्जाम्पल टू की पावर जीरो पड़ी है तो जीरो आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स किसी की भी पावर जीरो किसी की भी पावर जीरो आंसर इज ऑलवेज वन एंड ओनली वन क्लियर टू एवरी वन ठीक है अब मेरे पास मान लो एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ एक और एग्जाम्पल लेती हूँ इसी का ही सेकेंड एग्जाम्पल ही हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कोई भी एग्जाम्पल अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मेरे पास माइनस फोर की पावर फोर की पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई में फोर की पावर माइनस ठीक है और इसकी पावर क्या पड़ी है जीरो अब स्टूडेंट कहीं तुम तो इसके ऊपर क्या वो वाला अप्लाई करने लग जाओ ऑलरेडी नो दैट किसी के भी पावर जीरो स्पेशल नोट था स्टूडेंट्स आपके लिए ठीक है स्टूडेंट्स तो ये हमारी एक्सरसाइज वन पॉइंट सॉरी ट्वेल्व पॉइंट वन का सारा इंट्रोडक्शन था आज हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया है नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट में नेक्स्ट uh, वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे बट उससे पहले आपने क्वेश्चन ये सारा कंसेप्ट करके आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं आई एम डेडली श्योर ईच अगर आपका सिंगल सिंगल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ यू कैन सोल्व ओनली क्लियर स्टूडेंट सोल सोन बाय